वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवर्स एकेडमी। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलो इस लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4.3। तो प्रैक्टिस सेट 4.3 सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी रिविजन ले लेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.3 में क्या देखा था। तो बेसिक्स में हमने पढ़ा था एफ वी एंड एम वी क्या होता है, ये पहले बताओ। तो एफ वी मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। एंड एमवी मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू। इसकी डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। अब प्रीवियस में जो इंपॉर्टेंट हमें चाहिए इस लेक्चर के लिए वो क्या था, कंपैरिजन बिटवीन एफवी एंड एमवी। इसमें हमने तीन कंडीशंस देखी थी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एमवी इज ग्रेटर देन एफवी, मतलब मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से ज्यादा होगी तो वो शेयर क्या हो जाएगा, शेयर इज एट प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफवी इज इक्वल टू एमवी माइनस प्रीमियम। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एफवी, अगर हमें एफवी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, एफवी इज इक्वल टू एमवी माइनस प्रीमियम। तो देखो हमारा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो शेयर क्या हो जाता है, शेयर इज एट प्रीमियम हो जाता है। तो अगर हमें मार्केट वैल्यू भी वन है, शेयर इज एट प्रीमियम है, ये भी पता है, तो कैसे क्या कैलकुलेट करना है एफवी के लिए, एफवी इज इक्वल टू एमवी माइनस प्रीमियम। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा। देन ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिखी थी हमने, एफवी इज इक्वल टू एमवी, मतलब हमारी दोनों वैल्यूज मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू अगर सेम होगी तो शेयर इज एट क्या हो जाएगा, पर। तो एंड थर्ड कंडीशन देखी थी हमने जो कि थी एमवी इज लेस देन एफवी, मतलब कि हमारी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी तो शेयर इज एट डिस्काउंट। ये देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। और कुछ फॉर्मूले हमें इस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो होगा आरओआर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। और हमेशा हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ये चीज ध्यान में रखो, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में आएगा। देन अबे और एक चीज मुझे बतानी थी, वो थी कि सम इन्वेस्टेड किस पे लगता है एंड डिविडेंड किस पे लगता है। तो देखो सम इन्वेस्टेड लगता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये चीज ध्यान में रखो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मतलब कि सम इन्वेस्टेड किस पे लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, इस पे हमारा कैलकुलेट होगा सम इन्वेस्टेड। एंड जो डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं हम लोग, डिविडेंड वो क्या होता है, हमें गिवन होता है क्वेश्चन में कि इतने इतने परसेंट का डिविडेंड मिल रहा है, तो अगर 7% ऑफ डिविडेंड मिल रहा है तो वो 7% किस पे मिल रहा है हमें, ऑन फेस वैल्यू। तो यही कुछ चीजें थी याद रखनी थी, एक बार क्विक रिविजन ले लो, फेस मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगी तो शेयर इज एट प्रीमियम, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से इक्वल होगी तो शेयर इज एट पर, देन मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम होगी, लेस देन होगी, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। देन और एक आरओआर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, रेट ऑफ रिटर्न्स इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100, और हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में होता है। देन सम इन्वेस्टमेंट किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, मतलब डिविडेंड हमें गिवन होता है कितने परसेंट का डिविडेंड कंपनी आपको रिटर्न कर रही है, अगर 7% या कोई भी परसेंटेज होगा तो वो किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे। यही सारी चीजें यूज करके हम ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो।
कह दिया है क्वेश्चन वन में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर ऑफ नंबर्स एंड वर्ड्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। तो सीरियल नंबर फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो चलो एफ वी क्या दिया है हमें, एफ वी मतलब फेस वैल्यू, दैट इज 100 रुपीज। शेयर इज एट पर, तो शेयर क्या है, शेयर इज एट पर, तो शेयर इज एट पर के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, वो क्या थी, एफ वी इज इक्वल टू एम वी, मतलब एफ वी इज इक्वल टू एम वी। इस कंडीशन के लिए हमारा शेयर किस पे था, पर पे था। तो हमारा मार्केट वैल्यू भी क्या बन जाएगा, सेम एज इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज 100 रुपीज। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्या आ जाएगा, 100 रुपीज। तो लिखो 100 रुपीज फर्स्ट हो गया हमारा, देन सेकंड। अब सेकंड में हमें एफ वी कैलकुलेट करना है, एफ वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो शेयर इज एट प्रीमियम, तो शेयर हमारा इज एट प्रीमियम पे है, एंड मार्केट वैल्यू दिए है हमें, तो पहले लिखता हूं शेयर इज एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या होगा, हमारा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अक्सर ज्यादा होता है। तो एम वी भी गिवन है हमें, एम वी इज इक्वल टू 575। तो कंडीशन क्या बनेगी, एम वी इज ग्रेटर देन एफ वी, तो एफ वी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पहले, एफ वी इज इक्वल टू एम वी माइनस प्रीमियम, एम वी माइनस प्रीमियम। तो एम वी क्या है हमारा 575, माइनस प्रीमियम क्या है गिवन हमें 500 रुपीज, तो 575 माइनस 500 एफ वी, मतलब फेस वैल्यू क्या बनेगी हमारी 75 रुपीज। तो नोट डाउन दिस, हमारे यहां आ जाएगा एफ वी इज इक्वल टू 75 रुपीज। देन अब क्या कैलकुलेट करना है हमें थर्ड के लिए, तो थर्ड कर लो। अब एफ वी दिया है हमें, फेस वैल्यू दी है हमें 10 रुपीज, एंड मार्केट वैल्यू कितनी दी है हमें गिवन 5 रुपीज। तो यहां देख लो एम वी क्या बनेगा हमारा, एम वी इज लेस देन एफ वी, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से कम बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमने तीसरी कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या देखी थी, इफ एम वी इज लेस देन एफ वी देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, शेयर, आंसर आ जाएगा शेयर इज एट डिस्काउंट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्काउंट, ऑफ कितने रुपीज का डिस्काउंट है, 5 रुपीज का डिफरेंस, मतलब 5 रुपीज का डिस्काउंट। तो नोट डाउन कीजिए आंसर्स, देन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है हमें, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80 रुपीज। तो देखो यहां ध्यान देने वाली बात है कि वो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज, पर मिस्टर क्या दिया है, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50 शेयर्स। मिस्टर अमोल ने कब खरीदा, फेस वैल्यू 100 होने पे नहीं, तो 80 रुपीज वैल्यू, जब उसकी मार्केट रेट चल रहा था, मार्केट वैल्यू चल रही थी 80 रुपीज, तब उसने, मिस्टर अमोल ने वो शेयर खरीदा था। कंपनी हैड गिवन 20% ऑफ डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो अब जो आपके गाइड में दिया है वो बहुत मुश्किल स्टेजेस में, स्टेप में आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो यहां एक सिंपल मेथड से आपको करके देता हूं। तो पहले तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, गिवन कितने दिए थे हमें, नंबर ऑफ शेयर्स 50, तो पहले लिखना है हमें गिवन, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 50 शेयर्स। देन नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी आपकी 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी थी आपकी 80 रुपीज। तो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर अमोल ने शेयर्स बाय किए, पर कहां कब किए, एट रुपीज 80 होने पे, मतलब मार्केट वैल्यू 80 रुपीज जब थी उस टाइम मिस्टर अमोल ने 50 शेयर्स परचेस कर लिए थे। अब देखो अब हमें निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100।
तो अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सम इन्वेस्टेड एंड डिविडेंड। तो पहले लिखता हूं सम इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड का भी फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो लिखता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या बताया था मैंने, मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहे थे हमारे 50, इनटू मार्केट वैल्यू क्या थी तब टाइम 80 रुपीज। तो कैलकुलेशन कर लो 8 5 40 एंड ये 20, मतलब सम ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 4000 रुपीज। तो मिस्टर अमोल ने टोटल 4000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। तो देखो कैलकुलेट क्या करना है, डिविडेंड भी चाहिए होगा। तो डिविडेंड ऑन डिविडेंड, तो पहले कैलकुलेशन आसान होने के लिए एक शेयर के लिए डिविडेंड निकालो, बाद में 50 शेयर्स का कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 50 करना है हमें फिर। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड पहले तो लिखो डिविडेंड कितना परसेंट दिया है हमें। तो डिविडेंड दिया है हमें, एक मिनट चेक करता हूं, 20% ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड 20% ऑन वन शेयर, तो पहले एक शेयर के लिए डिविडेंड निकालते हैं। तो कितनी रुपीज का एक शेयर था मैंने बताया था आपको, डिविडेंड निकालते वक्त आपको किस पे लगाना है, फेस वैल्यू पे। तो 20% ऑफ एफवी, तो एफवी क्या है हमारा फेस वैल्यू, दैट इज 100। तो 20% ऑफ 100 रुपीज, तो 20% ऑफ 100 मतलब 20 upon 100 into 100, परसेंट का मतलब क्या है अपॉन 100 डाल दो सिर्फ। तो 20% मतलब 20 upon 100 into ऑफ रुपीज 100 था इसलिए into 100, तो 100 100 कैंसिल हो गया, क्या है डिविडेंड 20 रुपीज। तो मतलब एक शेयर पे डिविडेंड कितना लग रहा है आपका, 20 रुपीज मिल रहा है। देन अब 50 शेयर्स के लिए कितना लगेगा, तो डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स, तो एक शेयर के लिए इतना, 50 के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 20 into 50, 5 into 2 10 एंड ये 20 अलग से। तो 50 शेयर्स पे टोटल डिविडेंड मिलना चाहिए हमें 1000 रुपीज। तो देखो अब हमारे पास डिविडेंड ऑफ ऑल शेयर्स भी है, इन्वेस्टेड अमाउंट भी है। अब क्या करना है, सिंपली ROR जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला फिर से डिविडेंड अपॉन क्या था, सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो देखो अब डिविडेंड कितना बन रहा है हमारा टोटल 50 शेयर्स पे 1000 रुपीज। देन सम इन्वेस्टेड कितना है हमारा जो कैलकुलेट किया था 4000 रुपीज इनटू 100। तो ये 20 20 कट कर दो, क्या हो जाएगा, और एक ये 0 कट हो जाएगा, तो 100 divided by 4, इसका भी कैलकुलेशन कर लो, क्या आ जाएगा 25। अब 25 का यूनिट क्या होता है, तो मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेट ऑफ रिटर्न हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा 25%। तो आपको फाइनल सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, दो मिस्टर अमल गॉट 25% रेट ऑफ रिटर्न। तो लिखो यहां द रेट ऑफ रिटर्न इज 25%, और ये भी लिख सकते हैं मिस्टर अमोल गॉट 25% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एज इंपॉर्टेंट टिक कर लो। तो क्या किया हमने, सिर्फ हमें क्या क्या गिवन था, नंबर ऑफ शेयर्स पता थे, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू हमें गिवन था। तो हमें फाइंड आउट करना था रेट ऑफ रिटर्न। तो सिंपली क्या करना है हमें, पहले तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, डिविडेंड एंड सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड क्या होता है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, जंबलिंग नहीं करना। सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे होता है एंड डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है, अच्छे से याद कर लो, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे, डिविडेंड फेस वैल्यू पे, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू एंड डिविडेंड फेस वैल्यू पे। तो
सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, एंड डिविडेंड का फॉर्मूला था जितने भी परसेंट होंगे ऑफ फेस वैल्यू। हमें 20% गिवन था तो 20% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज 100 रुपीज। तो हमारा डिविडेंड कितना मिला एक शेयर के ऊपर 20 रुपीज। तो 50 शेयर के लिए क्या हो जाएगा 20 × 50 दैट इज 1000 रुपीज। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या बनेगा हमारा डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो डिविडेंड 1000 डिवाइडेड बाय 4000 दैट इज सम ऑफ सम इन्वेस्टेड इनटू 100। इसका कैलकुलेशन कर लो क्या आ जाएगा आंसर 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अमोल गॉट इज 25%। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, जोसेफ परचेस द फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ए पे उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, परचेस किए शेयर्स 200 शेयर्स फेस वैल्यू 2 प्रीमियम 18 रुपीज। देन कंपनी बी से 25 शेयर्स एट रेट मार्केट वैल्यू 500 रुपीज। देन कंपनी सी से एक ही शेयर खरीदा एट मार्केट वैल्यू 10,450। तो हमें टोटल तीनों कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो पहले तो कंपनी ए के लिए कैलकुलेट करते, देन वन बाय वन जाएंगे। तो यहां लिख दो फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी ए। तो कंपनी ए में सिर्फ एक ही कंपनी के लिए हमें क्या दिया है, एफवी एंड प्रीमियम। तो एफवी इज इक्वल टू 2 रुपीज दिया है एंड प्रीमियम, प्रीमियम कितना दिया है हमें 18 रुपीज। तो हमें फॉर्मूला पता था क्या था, एफ वी इज इक्वल टू एम वी माइनस प्रीमियम। तो एम वी कैसे कैलकुलेट होगा, हमें एम वी चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ, तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहा है हमारे, यहां देखो गिवन है दैट इज 200 शेयर्स। तो पहले एमवी कैलकुलेट करेंगे, तो एमवी इज इक्वल टू एफवी प्लस प्रीमियम हो जाएगा। तो एमवी क्या हो जाएगा, एफवी की अमाउंट 2 रुपीज प्लस प्रीमियम 18 रुपीज का मिल रहा है, मतलब एमवी मिलेगा आपको 20 रुपीज, मार्केट वैल्यू मिलेगी आपको 20 रुपीज। अब हमें तीनों कंपनीज की क्या करनी पड़ेगी, सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड उन तीनों कंपनी की सम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड हमें टोटल करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी के, ए कंपनी के खरीदे 200 शेयर्स। तो क्या आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड, देयरफॉर सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहे थे हमारे, गिवन 200, देन मार्केट वैल्यू कितनी है 20 रुपीज। तो सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, कर लो कैलकुलेशन 4000 रुपीज। तो कंपनी ए में जोसेफ ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, 4000 रुपीज। तो ये कंपनी ए के लिए हो गया। देन अब कैलकुलेट क्या करेंगे, कंपनी बी के लिए। तो ये अब आसान होगा क्योंकि डायरेक्टली हमें एमवी पता है कंपनी बी में। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एक बार देख लो, नंबर ऑफ शेयर्स 45, नंबर ऑफ शेयर्स 45। देन अब क्या कैलकुलेट करना आ गया हमें, सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू भी हमें गिवन है कंपनी बी के लिए, कितने मार्केट वैल्यू 500 रुपीज। तो अब कैलकुलेट क्या करना है, सम इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी दैट इज मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 45 इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है 500 रुपीज। देन 45 इंटू 500 रुपीज क्या हो जाएगा, 22,500। तो इतना इन्वेस्टमेंट किया उसने किस कंपनी में, कंपनी बी में। देन अब कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, सॉरी कंपनी सी के लिए एमवी।
फॉर कंपनी सी, फॉर कंपनी सी, तो कंपनी सी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक ही शेयर एंड उसी की कीमत मार्केट वैल्यू क्या है 10,450। तो लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1, मार्केट वैल्यू क्या दिया हमें 10,450 रुपीज। तो देखो अब सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट करेंगे, सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या बनेंगे हमारे 1, मार्केट वैल्यू कितनी है 10,450, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली 10,450 रुपीज। तो अब हमें क्या चाहिए, जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट बनेगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ। तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक मिनट, तो लास्ट में लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपनी दैट इज 4,000 प्लस सेकंड कंपनी 22,500 प्लस थर्ड कंपनी दैट इज 10,450। तो कैलकुलेट कर लो, इन तीनों की सम बनेगी आपकी 37,040 रुपीज, 37,040 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, आपको फाइनल वर्डिंग में क्या लिखना पड़ेगा, जोसेफ टोटल इन्वेस्टेड 37,040 रुपीज इन ऑल कंपनीज, मतलब जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा आपका इतना। तो क्या क्या सिंपली हमने कंपनी ए बी सी के लिए सेपरेट सेपरेट सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट की एंड उन तीनों की समेशन कर दी, तो हमें क्या मिल गया टोटल इन्वेस्टेड। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है, श्रीमती देशपांडे परचेस शेयर्स ऑफ एफ वी 5 रुपीज, फेस वैल्यू 5 रुपीज के उसने शेयर खरीदे एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। तो देखो एफ वी 5 रुपीज है, प्रीमियम 20 रुपीज है, तो एमवी क्या बनेगा 20 + 5 दैट इज 25। लॉजिक बता रहा हूं, आगे ऑल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देन हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज उसके पास है, तो 20,000 रुपीज में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे। तो मतलब हमें क्या दिया है, सम इन्वेस्टमेंट पता है, सम इन्वेस्टेड पता है, एमवी पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है सम इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय एमवी, ये हमें इस एग्जांपल में कैलकुलेट करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, गिवन, गिवन क्या दिया है, एफ वी इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड देन प्रीमियम इज इक्वल टू, प्रीमियम कितना दिया है 20 रुपीज। तो एमवी क्या होता है हमारा, मार्केट वैल्यू, मैंने फॉर्मूला बताया था, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एफ वी का फॉर्मूला बताया था एमवी माइनस प्रीमियम, तो इसी का ही जुगाड़ करके हमने एफ वी का, एमवी का फॉर्मूला मतलब मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनाया, एफ वी प्लस प्रीमियम। जंबलिंग नहीं होना है, एफ वी का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम एंड मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सॉरी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो देखो अब मार्केट वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी हमारी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू 5 रुपीज प्लस प्रीमियम 20 रुपीज का मिल रहा है, देन 25 रुपीज। तो एम वी है हमारे पास अभी, देन सम इन्वेस्टेड वो भी है हमारे पास दैट इज 20,000 रुपीज, तो वो भी लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो फॉर्मूला पहले लिखो, सम इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू
तो हमें ये पता है सम इन्वेस्टर पता है मार्केट वैल्यू पता है, तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे 20,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी क्या है 25, तो नंबर ऑफ शेयर्स ये मल्टीप्लिकेशन में यहां आ जाएगा तो डिवीजन में, तो लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 25, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 25 इसका कैलकुलेशन कर लो ये आ जाएगा 800, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या बनेंगे हमारे 800, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा श्रीमती देशपांडे गॉट 800 शेयर्स इन सॉरी फॉर 20,000 रुपीज, मतलब श्रीमती देशपांडे को 20,000 रुपीज में टोटल कितने शेयर्स मिलने वाले 800 शेयर्स, तो यहां सेंटेंस में लिखो श्रीमती देशपांडे देशपांडे गॉट 800 शेयर्स, इतना लिखेगा तो भी चल जाएगा। तो क्या किया हमने, एमवी पता थी, सम इन्वेस्टमेंट पता था, सिर्फ कैलकुलेट क्या किया नंबर ऑफ शेयर्स, तो यही एक मेन फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यही इस एक्सरसाइज के लिए घुमा फिरा के हमें यूज करना है ये एक फॉर्मूला एंड आरओआर रेट ऑफ रिटर्न। क्या बताया था मैंने, डिविडेंड डिवाइड आरओआर जान लो वो हम फिर चलो बता देता हूं उतना भी, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या था डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये दो फॉर्मूले रेट ऑफ रिटर्न एंड सम इन्वेस्टेड, ये दोनों ही आपको यूज करने सारी एक्सरसाइज में। तो चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, श्री शांतिलाल परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज फॉर मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, ये कैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, सेम सिमिलर एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां भी क्या दिया है हमें फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू गिवन है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं पूरा, कंपनी पेड द डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला था डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100, तो पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें सम इन्वेस्टेड डिविडेंड कैलकुलेट करना है देन आरओआर कैलकुलेट करेंगे दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, तो पहले तो लिखता हूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो श्री शांतिलाल ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे थे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 150 शेयर्स, देन अगेन फेस वैल्यू कितनी है उनकी, फेस वैल्यू दी है 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू दी है हमें 120 रुपीज। अब देखो मैंने में क्या बताया था सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट करते वक्त मार्केट वैल्यू यूज करनी है एंड डिविडेंड कैलकुलेट करते वक्त फेस वैल्यू, तो पहले तो सम इन्वेस्टेड कैलकुलेट करते हैं, सम इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड क्या आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे हमारे 150 इनटू मार्केट वैल्यू क्या बनेगी 120 रुपीज, तो 150 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू दैट इज 120 रुपीज, इसकी कैलकुलेशन कर लो आपको मिलेगा 18,000, तो हमारा सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल 18,000 उसने इन्वेस्ट किया है ये निकल के आया। अब क्या करना है डिविडेंड, तो पहले एक शेयर के लिए डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं देन उसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 शेयर्स के लिए डिविडेंड मिल जाएगा, तो डिविडेंड डिविडेंड किस पे निकालना है हमें डिविडेंड परसेंटेज दिया है 7%, तो डिविडेंड 7% ऑन वन शेयर, तो एक शेयर के लिए एक शेयर की। अब देखो मैंने क्या बताया था सम इन्वेस्टेड में मार्केट वैल्यू यूज करनी है एंड डिविडेंड में कौन सी वैल्यू यूज करनी है फेस वैल्यू, तो डिविडेंड 7% ऑन वन शेयर ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का 7%, तो 7% मतलब 7/100 इनटू किसके लिए चाहिए 100 रुपीज के लिए, तो 100 कट कर दो क्या हो जाएगा 7 रुपीज, तो एक शेयर के लिए डिविडेंड कितना बन रहा है 7 रुपीज, तो टोटल डिविडेंड मतलब डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स कितना हो जाएगा, शेयर्स क्या हो जाएगा 100
7 rupees into 150 shares, into 150 shares. तो देखो 7 rupees का एक 7 rupees एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा था, तो 150 शेयर्स पे कितना हो जाएगा 7 into 150, तो 7 into 150 का कैलकुलेशन कर लो क्या आ जाएगा 1050 rupees. तो क्या मिला हमें 1050 rupees, क्या है डिविडेंड ऑन टोटल शेयर्स. तो क्या कैलकुलेट करना है सिंपली ROR, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या होता है डिविडेंड अपॉन क्या बताया था सम इन्वेस्टेड इनटू 100, क्योंकि हमारा ROR क्या होता है परसेंटेज में. तो इसका फॉर्मूला यही है डिविडेंड इनटू सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100. ये याद कर लो अच्छे से ये तीनों फॉर्मूले. तो डिविडेंड की वैल्यू डाल दो, डिविडेंड कितना मिला 1050 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000 rupees इनटू 100. तो ये दो जीरो कैंसिल कर दो, ये एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 105 अपॉन 18 इसका कैलकुलेशन कर लो आपको क्या मिलेगा 5.83%. तो रेट ऑफ रिटर्न हमारा परसेंटेज में होता है हमेशा, तो क्या करो पहले ये कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लो 105 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लो यही आएगा. तो श्री शांतिलाल विलगेट, यहां लिखता हूं डायरेक्टली श्री शांतिलाल विलगेट कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न विल गेट 5.83% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ROR फुल फॉर्म में लिख लो. तो सिंपल है, क्या क्या हमने पहले फॉर्मूला ये बन रहा था हमारा डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100. तो पहले क्या कैलकुलेट किया हमने सम इन्वेस्टेड, वो किस पे कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू पे. देन क्या कैलकुलेट किया डिविडेंड, वो किस पे कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे. तो डिविडेंड मिल गया, सम इन्वेस्टेड मिल गई, तो सिंपली फॉर्मूला में डाल के हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया, दैट इज 5.83%. तो नोट डाउन दिस. तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. तो इसको एज अ इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या दिया है इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, मतलब फेस वैल्यू मैंने ये लिख के रखा है कंपनी एंड बी, ये आगे गिवन है आपको. तो इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, मतलब आपको फेस वैल्यू सेम है दोनों कंपनी के लिए. तो यहां लेट क्या करता हूं, लेट एफ वी पता नहीं है मुझे, लेट इज फेस वैल्यू एक्स अज्यूम कर लेता हूं. तो दोनों कंपनीज के लिए फेस वैल्यू सेम है, मतलब इस कंपनी के लिए एक्स होगी, तो फेस वैल्यू फॉर दिस विल बी ऑल्सो एक्स, तो एक्स रुपीज. देन आगे क्या दिया है, विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉफिटेबल, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट उस बंदे को प्रॉफिटेबल होगी कंपनी ए में या कंपनी बी में. तो कंपनी ए डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू 80 rupees, कंपनी बी डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू 120 rupees, एंड फेस वैल्यू हमने अज्यूम कर ली दैट इज एक्स. तो देखो अब कौन सी कंपनी इन दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है रेट ऑफ रिटर्न्स. तो जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न्स हाई होगा वो कंपनी आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा. तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों कंपनीज का रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम, तो देखो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे. तो डिविडेंड इज इक्वल टू फॉर कंपनी ए डिविडेंड इन रूपी चाहिए अब हमें, तो ये क्या बनेगा 60%. तो 60% ऑफ डिविडेंड मैंने क्या बताया था, डिविडेंड किसका होता है फेस वैल्यू का, तो 60% ऑफ एक्स रुपीज. तो 60% ऑफ एक्स मतलब 16/100 इंटू एक्स, तो ये क्या वैल्यू बनेगी 16x/100. अब देखो रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिटर्न क्या था डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड.
तो सम इन्वेस्टर क्या आएगा हमारा 80 रुपीज, क्योंकि उसने 80 रुपीज पे वो शेयर बाय किया होगा। ये फेस वैल्यू बात की चीज है। तो फेस वैल्यू क्या होगी उस कंपनी की, पहली सबसे पहली जो कि कस्टमर के लिए अवेलेबल होगी। पर उस बंदे ने कितने रुपीज में खरीदा था 80 रुपीज, तो टोटल सम इन्वेस्टेड इसके लिए 80 रुपीज होगा एंड इसके लिए 120 रुपीज। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय शॉर्ट में लिखता हूं सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये फुल फॉर्म में लिख लो आप। तो डिविडेंड क्या है 16x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड कितनी होती, इन्वेस्टेड कितनी थी हमारी 80 रुपीज देन इनटू 100। तो देखो अब कैलकुलेशन कैसे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में और यहां नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो 16x डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100 और ये एज इट इज 100 यहां रहेगा। तो पहली बात तो ये मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं देखो इनटू 80 इनटू 100 को 100 इनटू 80 था सिर्फ मैंने। तो देखो अब 10 कैंसिल हो गया, देन इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 160x, देखो 16 × 10 160x डिवाइडेड बाय 160x डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 100 × 8। तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 20x अपॉन 100। तो 20x अपॉन 100, तो 20x अपॉन 100 क्या बनेगा आगे, ये 1 एंड ये इसको डिवाइड करेगा तो 5, तो इसका कैलकुलेशन बनेगा x अपॉन 5। इस होल थिंग का कैलकुलेशन बनेगा आपका x अपॉन 5। तो लिखता हूं आगे इज इक्वल टू x अपॉन 5। तो कंपनी ए के लिए हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या बन रहा है x अपॉन 5। तो कंपनी बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, चलो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना लग रहा है यहां 20% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज एक्स। तो डिविडेंड जैसे कि मैंने बताया था डिविडेंड किस पे लगता है फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू क्या है हमारी एक्स। तो 20% ऑफ एक्स मतलब 20 अपॉन 100 × x, मतलब क्या हो जाएगा 20x/100। देन अब क्या कैलकुलेट करना है ROR दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या, डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड, आप फुल फॉर्म में लिख लो देन इनटू 100, यह रहा हमारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो डिविडेंड क्या है हमारा 20x/100 अपॉन सम इन्वेस्टेड, यहां क्या बनेगी हमारी मार्केट वैल्यू दैट इज 120 रुपीज इनटू 100 एज इट इज। तो देखो अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 20x/120 × ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यही 100 × 100, तो 100 100 कट हो जाएगा। देन ये भी देखो ये 0 0 कैंसिल, देन 2 12 को डिवाइड करेगा मतलब 1 एंड यहां 6, तो x/6। ये कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लो, रेट ऑफ रिटर्न यहां कितना मिल रहा है x/6% और यहां x/5%। तो देखो मैंने क्या बताया था रेट ऑफ रिटर्न जिस कंपनी का ज्यादा वो कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो इन दोनों कंपनीज में से x/5 और x/6 इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो पूरी टर्म छोटी, मतलब डिनोमिनेटर कहां बड़ा है यहां 6 का 6, यहां डिनोमिनेटर कंपनी बी के लिए डिनोमिनेटर 6 है, मतलब ये पूरा नंबर छोटा हो जाएगा। तो आप कंपेयर करके देख लो x/5 is greater than x/6, तो यहां लिख दो ROR, तो यहां लिखता हूं चलो ये फाइनल आंसर होगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं आप फुल फॉर्म में लिखो रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न फॉर बी, कंपनी है एंड बी के लिए चल रहा है हमारा, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल टू x/5% इज ग्रेटर देन x/6%। तो लिखो यहां कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल। तो क्या क्या हमने सिर्फ कंपनी ए के लिए ROR निकाला, कंपनी बी के लिए रेट ऑफ रिटर्न निकाला, दोनों कंपेयर किए कि जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा वो कंपनी प्रॉफिटेबल। तो नोट डाउन किए कर लो इसको एंड यहां सम इन्वेस्टेड, और एक चीज याद रखनी है सम इन्वेस्टेड क्या बनेगी आपकी
यही अमाउंट, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स देके नहीं रखा। तो नंबर ऑफ सम इन्वेस्टेड में हम कैसा करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली एमवी हम एज अ सम इन्वेस्टेड यहां यूज करेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न दोनों कंपनीज के लिए कैलकुलेट किया एंड सिंपली उन दोनों कंपनीज का रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर किया। जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा वो कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो सो हियर कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये सेंटेंस में लिख लो। तो इस लेक्चर में क्विक रिविजन प्रैक्टिकल है, सॉरी प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। तो देखो क्विक रिविजन लेता हूं, यही चीज है आपको प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में भी यूज होंगी। तो एमवी, एमवी इज ग्रेटर देन एफवी, क्या बताया था मैंने, शेयर इज एट, शेयर इज एट प्रीमियम। देन एमवी इज इक्वल टू एफवी, दैट इज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ये क्या होता है, शेयर इज एट पर, देन मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, देन क्या हो जाएगा, शेयर इज एट डिस्काउंट। ये कंपैरिजन बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच में देखा था। देन अगेन आगे क्या पढ़ा था हमने, सम इन्वेस्टेड इस लेक्चर में। सम इन्वेस्टेड क्या होता है, इन्वेस्टेड तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये याद रखना आपको फॉर्मूला। देन डिविडेंड, डिविडेंड क्या बताया था मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू द गिवन परसेंटेज ऑफ एफवी, दैट इज फेस वैल्यू। मतलब कि डिविडेंड फेस वैल्यू पे बनता है एंड सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे बनता है। एंड लास्ट फॉर्मूला था इस एक्सरसाइज का, आरओआर, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। और ये याद रखना है कि हमेशा हमारा डिविडेंड है, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो किसमें होगा, परसेंटेज में। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इज परसेंटेज। तो नोट डाउन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।